समय हम मौजूद हैं विकास खंडी के कटरा गांव में, और कटरा में वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे के पिता स्वर्गीय केवला प्रसाद दुबे और चुन्नीलाल दुबे प्यास से रहमी है यहाँ पहुँचे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे, आज हम बात करते हैं पूर्व सांसद से और जानते हैं कि वाकई में विकसित भारत संकल्प यात्रा से लेकर अयोध्या में भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर की दिशा में जो अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्र में जो भ्रमण किया जा रहा है उसकी स्थिति क्या है। तो आइए हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे से। पंडित जी आज कटरा में आए हैं, दुबे जी के परिवार में क्या कहेंगे दुबे जी के बारे में? जी सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास के तरफ से जो घर घर अक्षत पुष्प आमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं, उसमें पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश और देश में हर्ष व्याप के तहत कुनिया क्षेत्र में भी संपर्क तो हो ही रहे हैं, लेकिन आज का यह सुरेंद्र जी जो पत्रकार भी हैं, उनके पिताजी जो लगभग 90 वर्ष की अवस्था, एक लंबी आयु जिसे कहा जाए, अपना जीवन जिया है, अपने पीछे भरा पूरा परिवार, पुत्र पौत्र और एक लंबा अपना सुखद, और जिसे हम कहें कि हर विभागों में इनके परिवार के लोग कार्यरत हैं, कोई लखनऊ में, कोई दिल्ली में, कोई प्रदेश में और देश के विभिन्न अंचलों में, इनके 5 भाइयों के परिवार में एक लंबा परिवार है और सब लोग शिक्षित हैं, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे पेशा नौकरी और व्यवसाय में। आज 13वीं है, हम लोग उनको पुष्पांजलि अर्पित करके और उन्हें भावभीनी एक श्रद्धांजलि दिए और उनके कार्यों को, कृतित्वों को, कर्तव्यों को, जो उन्होंने जीवन जिया सामाजिक रूप से और क्षेत्र में एक प्रतिष्ठा भी अर्जित की, आज उनके इस 13वीं कार्यक्रम में क्षेत्र के बहुत सारे उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए, उसमें हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार, यहाँ किशोरवानी जी जो इस भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने मूर्धन्य पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं, और हमारे साथ क्षेत्र के बहुत सारे प्रधान, पूर्व प्रधान और कई ऐसे गणमान्य लोग उपस्थित हैं। हम सबों ने दुबे जी को श्रद्धांजलि देते हुए इस परिवार के इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त। भारतीय यात्रा चल रही है इस समय पूरे देश में, क्या मानते हैं कितना सफल रही? आज जन जन घर घर तक मोदी के कार्यों की, मोदी के द्वारा चलाए गए हर कार्यक्रमों की चर्चा हो रही है। आज कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा जहाँ अपने मोदी सरकार द्वारा कराए जा रहे कार्य का लाभ न मिले। आज जिस तरह से मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार कार्य कर रही है और जो योजनाएं चल रही हैं, जो रथ चल रहा है, वो विकसित भारत का एक स्वरूप जो आने वाला, तो अभी 15 से 20 सालों में भारत जो है विकसित राष्ट्र, भारत और हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने की योजना है, उसमें मोदी जी का कार्य, मोदी जी का कृतित्व, मोदी जी का व्यक्तित्व और मोदी जी का जो एक, जो उन्होंने संकल्प किया है और जो वो कहते हैं वो करते हैं, वो दिख रहा है। और आज जो पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, पूरे गांव गलियारे में और देश में आज कार्य हो रहा है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है।